إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم محترم العادلين ورموز السامعين इस्लाम मीडिया के प्लेटफार्म से बंद नाचीज़ हाफिज़ अबू याहिया आपकी ख़िदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है इमाम बुखारी राहुल्ल ती ज़ात बाबरकात मुहदसिन के राम में एक इंतहाई आला और बुलंद मकाम रखती है जो लोग भी हदीस के दुश्मन हुए उन्होंने सबसे बढ़कर इमाम बुखारी राहल्ला पर हमला करने की कोशिश की उन्हें मालूम था कि अगर हमने इमाम बुखारी राहल्ला ताली की ज़ात को दागदार कर दिया तो फिर बाकी सारे महदसिन के राम भी लोगों की नज़रों में मशकूक हो जाएंगे, क्योंकि वो रईसालमुहदसिन हैं और वो अमीरमिन फ़िलहदीस हैं और इसी तरह अमिरुलमिन फ़िलफ़ भी हैं तो उन्होंने हदीस को और हदीस से मुतक़ल को बदनाम करने के लिए इमाम बुखारी राम की ज़ात पर बहुत ज़्यादा हमले किए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शरीहन इनकार हदीस में मुबतला हैं और वो इमाम बुखारी रहमत ला से सख्त अदावत रखते हैं क्योंकि उन्हीं की शुरा आफाक किताब सहीबारी सारी उम्मत के नज़दीक इतफाक़ी तौर पर सही तरीन किताब करार पाई तो उन्हें तो इमाम बुखारी रहमत ला बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत ज़्यादा नाला हैं वो इमाम बुखारी रहमत से लेकिन कुछ लोग जो अपनी फ्री तकलीद की वजह से और जमूद की वजह से इमाम बुखारी रम्ल तदावत रखने लगे कि इमाम बुखारी रही ताला ने फिका में उनके मज़हब की पैरवी नहीं की बल्कि उनके मज़हब के बहुत से मसाइल को किताब सुन्नत की रोशनी में ग़लत करार दिया और इस वजह से वो इमाम बुखारी रमत के ख़िलाफ़ हो गए जहाँ तक मुनकरन हदीस का ताल्लुक है तो वो तो इस फ़न के लोग ही नहीं हैं उन्हें तो ना हदीस के बारे में कोई इलम है ना ूमूमीस के बारे में ना उसूल हदीस के बारे में वो तो जब एतराज़ करते हैं इमाम बुखारी राहुल्ल ती पर तो उनका एतराज़ बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा कि कोई अनपढ़ रेड़ी बहन या कोई मज़दूर जो बिल्कुल जिसको कोई भी इलम नहीं है वो अगर उठ कर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं तमाम के तमाम उन पर कदगन लगाना शुरू कर दे और उन्हें चैलेंज देना शुरू कर दे और उनके तरीक़ेकार को गलत करार देना शुरू कर दे तो उसकी बात कौन सुनेगा यानी लोग उसकी तरफ तवज्जो तो ही नहीं करेंगे भाई देखें एक ऐसा शख्स है जो बिल्कुल जाहल है जिसके पास इलम नाम की चीज़ ही कोई नहीं ना उसने साइंस पढ़ी ना उसने मेडिकल का इलम हासिल किया ना उसको पता है कि दिल के मामलत क्या हैं तो ऐसा शख्स अगर माहिर तरीन डॉक्टर्स जो दिल के माहिर हैं अमराज़ कल्ब के माहरी हैं उनको अगर चैलेंज करेगा तो उसकी बात कौन सुनेगा लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो इलम से मंसूब हुए और जो आ, शुमार किए गए उनमें से भी बाज़ लोग इमाम बुखारी ताला की दुश्मनी पर उतर आए सिर्फ़ इस वजह से कि उनकी जो फ़िकी आरा हैं उन्हें इमाम बुखारी राहमोल्ल्ला तद किया है और किताब की रोशनी में उन्हें मुस्तरद किया है तो ऐसे लोगों ने जैसा कि मुनकरन हदीस ने एतराज़ा किए इमाम बुखारी ताला पर, तो इन लोगों रहमल तभी मुनकरन हदीस की तरह इमाम बुखारी ताला की जात को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो आज हम कुछ एतराज़ा जो इमाम बखारी रमत की ज़ात पर किए जाते हैं किए गए हैं और मोटे मोटे एतराज़ा का हम जायज़ा लेंगे वो सात के करीब एतराजात होंगे तो आप इन इस लेक्चर के बाद ये जान पाएंगे कि इमाम बुखारी ताला पर तरराज की हकीकत और वक़त और हैसियत क्या है सबसे पहला एतराज़ जो मुनक्रन हदीस भी करते हैं इमाम बुखारी रहमत ल कि इमाम बखारी रमतल को कोई समझ बूझ नहीं थी दीन की और मुनकिन हदीस तो ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखें जी कुरान करीम ही नहीं पढ़ा हुआ था उन्होंने दीन की बुनियादी जो असलाहत हैं या बुनियादी चीज़ें हैं आ, उन से ही मामे बुखारी रहा को वह नावाफ़ करार देने की कोशिश करते नज़र आते हैं तो इसी तरह जो मकरल्दीन हैं बाज़ सब की बात नहीं कर रहा बाज़ मुकलदीन की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने भी ऐसे ही इमाम बुखारी रहमत लो ना समझ करार देने की कोशिश की उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी रमोत ल मुतहद नहीं थे फ़कीर नहीं थे उन्हें तो दीन की बुनियादी चीज़ों का पता नहीं था और इस हवाले से एक बहुत मशहूर वाक़ बाज़ मुखल्दीन इमाम बखारी रमोत की अदावत में नक़ल करते नज़र आते हैं उनके एक मशहूर हनफ़ी फ़की अहमद बिन हफ्स अबू हफ्स कबीर के नाम से जो मारूफ थे आ, उनके साथ एक वाक़ा वो नक़ल करते हैं कि उन्होंने इमाम बुखारी रमतल को फ़तवा देने से मना किया इमाम बुखारी रहमत फतवा देने से बाज ना आए ये उनके बकौल ये वाक़ा वो बयान करते हैं कि इमाम बुखारी रहमत फतवा देने से बाज़ नहीं आए इमाम अहमद बिन हफ्स अबू हफ्स कबीर ने उन्हें मना किया कि आप फतवा देने के काबिल नहीं हो जब इमाम बुखारी ने बात नहीं मानी और फतवा देते रहे तो उन्होंने फिर सवाल किया या किसी से करवाया सवाल इमाम बुखारी रहमत से ये सवाल किया गया कि दो बच्चों ने एक ही बकरी या एक ही गाय का दूध पिया हो तो उससे रज़ात साबित होती है कि नहीं यानी रज़ात की जो हरमत होती है बहन भाइयों में रज़ाई तौर पर वो साबित होती है कि नहीं तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि रज़ात साबित हो जाती है तो बहरहाल ये इंतहाई परले दर्जे की गप है और हम समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से फ़िक़ही अदावत की वजह से और किताबो सुन्नत से इसदलाल करके बहुत से जो फ़िक़ही मसाइल हैं फ़िक़ह हनफ़ी के उनको रद्द करने की वजह से वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दुश्मनी पर उतरा और इस तरह के झूठ घड़ कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को बदनाम करने की कोशिश की हालाँकि शुरू से लेकर हनफ़ी लमा और फोकहा इस बात के इकरारी रहे हैं सही बुखारी के हवाले से हम तफसील से पिछले लेक्चर में ये ज़िक्र कर चुके हैं कि सही बुखारी को को तो असफुल्कतबादा किताबिल्ला और फिर सही बुखारी के रावियों को और सही बुखारी के तर्ज अमल को किस कदर सराहा है हनफ़ी और फोकहा ने इसके अलावा ख़ुद इमाम बुखारी रमत लि जात के बारे में भी आइम्मा अहनाफ़ जो हैं उनके बहुत सारे अकवाल पेश किए जा सकते हैं आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि एक बहुत बड़े हनफी इमाम जो हैं वो शरा कर रहे हैं बुखारी की आप अहबाब इस बात से बखूबी हैं वाकफ़ ऐनी ने शरा लिखी है बुखारी की कारी के नाम से और इसी तरह अनवर शाह कश्मीरी जो देवबंदी हैं उन्होंने एक शरा लिखी है सही बुखारी की फैजुल बारी के नाम से और इस तरह और भी आनाफ के मा की तरफ़ से सही बुखारी की शुरूात और उन सही बुखारी की तारीफात और इमाम बुखारी रमत की ज़ात के हवाले से जो बहुत ज़्यादा फ़जाइल वनब हैं उन्होंने जिक्र किए हुए हैं हम कुछ और अकवाल यहाँ आपके सामने रखते हैं और उन हनफी लोगों को उन मुख़ल्दीन को दावत फ़िक्र देते हैं कि अगर वो इमाम बुखारी रहमत ल नौज़ु ऐसा ही के दीन की अदना समझ बूझ नहीं रखते थे ऐसा समझते हैं तो फिर वो अपने मा के बारे में क्या ख्याल करते हैं कि उनके उनकेा तो इनसे ज़्यादा इमाम बुखारी से वाकिफ थे उन्होंने फिर क्यों इतना ज़्यादा तारीफात की हैं इमाम बुखारी रमत की एक हनफी आलम गुजरे हैं शेख इब्राहिम बिन अब्दुल लतीफ़ हनफी हैं सिंधी उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब मुकदमा लामारी में वो फ़रमाते हैं कि अलबुखारी इमाम उन मुजतः उन ही का अभी हनीफ़ हनीफ़ाता व शाफय व मालिकन व अहमदा व सफ़ियान सौरये व मोहम्मद इबन लहसन के, के इमाम बुखारी रामत कोई आम शख्सियत नहीं थे वो मुजतहद थे और मुजत भी ऐसे कि मुतहद मुस्तकिल थे मुशत बज्जात थे और कैसे मुश्त थे वो कहते हैं इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा की तरह मुशतद थे इमाम शाफी की तरह इमाम मालिक की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह इमाम सुफियान सोरी की तरह इमाम मोहम्मद बिन हसन जो हनफियों के बहुत बड़े इमाम हैं उनकी तरह इमाम हैं और मुशतद बिज़ात हैं ख़ुद मुश्त हैं अब ये लोग खुद अंदाज़ा करें कि क्या इमाम अबू हनीफा रहामतल वो ऐसा ही नवज़ुबिल्ला दीन की जो मबादियात हैं उनसे भी नवाफब समझते हैं क्योंकि उनके तो कहते हैं कि इमाम बुखारी रमत इमाम अबू हनीफा की तरह मुशतहद थे इमाम शाफ़ी की तरह इमाम मालिक की तरह इमाम हम्बल की तरह इसी तरह अगर बाद के लोगों की बात करें ये मौजूदा दौर में असर हाजर में के केमा की बात करें तो दारालम देवबंद के मोहतम कारी मोहम्मद तय्यब साहब वो लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमत का जो सन् वलादत है वो सिदक के लफ़ से निकलता है और मदत उमर जो है वो हमीद के लफज से और शन वफ़ात नूर के लफज में है ये तो एक अददी एक अंदाज़ा है जो लोग करते हैं या एक तरतीब बनाते हैं आगे लिखते हैं जहाँ तक इमाम बुखारी रमोहल्ला की अज़मत और जलालत का तल्लक़ है हाफ़ा अदल इतकान जो तकवा और देानत वह इससे ज़्यादा मशहूर है जितना के आफ्ताब को हम देखते हैं कहते हैं कि जितना सूरज को देखकर हमें यकीन होता है तो उतना ही उससे ज़्यादा हमें यकीन इमाम बुखारी रमतल के जोर व तकवा पर उनकी दयानत पर उनके अदल पर उनके हाफज़ा पर है पूरी उम्मत ने इमाम की तल्क् बिलकबूल की है यानी उम्मत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इमाम बुखारी रहमत ला को बतौर इमाम बतौर मुशतहद कबूल ना करता हो और जो कबूल नहीं करता या उन पर तान करता है वो फिर ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें वो उम्मत में शामिल नहीं है कारी मोहम्मद तैयब साहब के बकौल ये ख़ुबाते हकीम इस्लाम जिलदेख सफ़ा दो सौ चौवन पे यारत मौजूद है इसी तरह अलामा अब्दुल हई लखनवी हनफ़ी बहुत मशहूर इमाम हैं अनाफ के और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं फ़िका हनफ़ी पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है वो फरमाते हैं अलफवादुलबहिया में जो शख्स सही बुखारी से फैज़ याब हुआ है और उसने फ़ायदा हासिल किया सही बुखारी से वो बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है उस पर यह बात मखफी नहीं रहती कि इमाम बुखारी रहमत लिजमत व जलालत कितनी है वो कितने बारीक फ़ाहम थे वो कितने वसीुन नज़र थे और कितने शनास थे ये बात जो है अब्दुल हही लखनवी लिख रहे हैं अमामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी साहब ने मुक़दमा फ़ैज़ुलबारी में यानी सही बुखारी की जो शरह उन्होंने लिखी उसके मुक़दमे में वो लिखते हैं एलम अनबुखारी मुझ तहिदा रईबाफ़ी ये बात याद रखें इमाम बुखारी रहमत मुशतद हैं और इसमें कोई शुबा नहीं ला रईबाफ़ी इसमें कोई शुबा नहीं और इसमें शुबा करने वाला कोई जाहल और मानद ही हो सकता है अब जहाँ तक तो इस वाक़े का ताल्लुक है कि ये जो वाक़ बयान किया गया ये गप उड़ाई गई इमाम अहमद बिन हफ्स अबू हफ्स कबीर के हवाले से कि उन्होंने इमाम बुखारी को रोका और सवाल किया गया तो आगे से इमाम बुखारी को बुनियादी बात ही मालूम नहीं हुई तो ये किस्सा सबसे पहले जो है अहनाफ़ के आइमा सरखसी उन्होंने अपनी किताब अलमबसूत में ज़िक्र किया है और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने आगे उसको लेकर नकल किया है और आपको बखूबी मालूम हो गया होगा कि ये जो इनके इमाम सरखसी हैं और इमाम बुखारी रहा का दौर बहुत पहले यानी दो सदियों का फ़ासला है दरमियान में कम अज़ कम तो दो सदियों का फ़ासला कौन तय करेगा और उसकी सनद कहाँ है हवाला कहाँ है तो ये इतनी बड़ी गप थी ये किसी ने घड़ी है अब ये मालूम नहीं कि इनके आइम्मा सरखसी ने घड़ी है या आगे किसी और से घड़ी हुई उन्होंने सुनी है और अपनी किताब में नकल की है बहर ये जो लोग हैं इमाम बुखारी रहमत ल्र तान करने वाले इनके पास सवाय अदावत के और सवाय इनाद के कुछ भी नहीं है अब ये वाक़ जो है आपको इसकी हकीकत मालूम होगी और के बकौल भी ये निरी गप है और ये नाकबिल्तफात है इसके बावजूद आपको हिदायत की शुरुआत में ये वाक़ मिलेगा और इसी तरह और किताबों में हनफी लोग इसको नकल करेंगे और ख़ुश होंगे इस बात से कि हमने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बदला ले लिया है इस बात का कि उन्होंने क्यों अपनी किताब सही बुखारी में अहनाफ के बहुत सारे मौक़ जो हैं उनको रद्द किया है किताब व की रोशनी में तो बहरहाल हम सिर्फ इतना ही पूछते हैं आज के जो लोग या पहले के जो लोग इमाम बुखारी अलैह पर इस तरह की तान करते रहे हैं उनसे ही हम यही पूछते हैं कि उनके जो बड़े आयमा हैं किबार हैं वो तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रमत के फ़ज़ाइलो मनाक़ब में रतबुल्लिसान हैं सही बुखारी की इतनी तारीफात करते हैं और इतना मकाम देते हैं जो आप पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं तो उसके बाद फिर एक ही सूरत रह सकती है कि या तो वह इमाम बुखारी रमत लारे में इस बात को सच मान लें या अपने को झूठा मान लें एक ही बात होती है अगर अपने वलमा को सच्चा मानते हैं तो फिर इसको गप मानना पड़ेगा और अगर इसको वो सच मानते हैं तो अपने वलमा को जाहिल और बेवकूफ़ समझना पड़ेगा जिन्होंने सही बुखारी और इमाम बुखारी की इतनी ज़्यादा तारीफात की हैं तो ये एक मामला है बाकी जहाँ तक मुनकरन अदीस हैं वो तो जुहाला हैं कम इलम कम झर्फ़ लोग हैं वो तो बिल्कुल अरबी ज़ुबान से भी जुहाला हैं हमने नहीं मुनकर हदीस को ही देखा आज तक हमारे जो मतलब सोशल मीडिया पर आजकल लोग मशहूर वरूफ हैं उनमें से कोई एक शख्स जिसको अरबी भी आती हो जिसको अरबी जुबान पे अबूर हासिल हो ऐसा कोई मुनकर हदीस हमने नहीं देखा अभी तक और हदीस और असूल हदीस और ये फ़नून तो बहुत ूम तो बहुत बाद की बात है ना उन उनका तो सिर्फ हसद और इनाद ही है ना कि उन्होंने उनके पास तो कोई ऐसा झूठा वाक़ा भी नहीं है वो इधर उधर से बातें बनाकर इमाम बुखारी रमतल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं उस पर भी हम इन जब सही बुखारी के हवाले से हमारा अगला लेक्चर होगा तो उसमें हम इनशा तफसील से बयान करेंगे कि उनकी क्या हकीकत है जो वो एतराज़ा इमाम बखारी रहमत ला करते हैं सही बुखारी के हवाले से तो वो असल में उनकी जहालत और उनकी कम अकली की दलील हैं दूसरा एतराज़ जो इमाम बुखारी रहमत पर किया गया और किया जाता है वो ये कि कई उलमा ने उस दौर में भी पुराने दौर में भी इमाम बुखारी रहमत लिली एतराज़ा किए हैं नक़द किया है और उसकी बिना पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमाम बुखारी रहमत की जो कावशें हैं वो बिल्कुल ग़लत हैं या उनकी कोई अहमियत और कोई बुकत नहीं है ये हासिल लोग हैं जो इस तरह की बातें आयम दीन या से नकल करके इमाम बुखारी रहा को बेबुकत या उनको इस तरह का इमाम साबित करना चाहते हैं जिनके पास कोई सही बात थी ही नहीं वो गलत ही गलत करते थे हालांकि इमाम बुखारी रहमत इंसान होने के नाते गलती कर सकते हैं हम में से कोई भी ऐसा नहीं मुसलमानों में से कोई भी एक ऐसा नहीं जो कहे कि इमाम बुखारी रमोत लसूम अनिलख़ता है वो बशर हैं इंसान थे गलती हो सकती थी बहुत से मकाम पर ओलमा ने उनसे अख्तलाफात किए भी हैं अब मिसाल के तौर पर अगर एक रावी के तयन में इमाम बुखारी रमतल अपनी किताब में गलती कर जाते हैं वो किताब सही। बुखारी के अलावा है जैसे कबीर है उसमें एक रावी के बारे में वो समझ लेते हैं कि यह रावी मिसाल के तौर पर कोफ़ी है हालाँकि वो कोफ़ी नहीं होता या वो कहते हैं ये मदनी है वह मदनी नहीं होता या इस तरह की, की और ख़ता उनसे सरजद हो जाती है तो उसकी बिना पर क्या इमाम बुखारी रमत की कावशें ख़त्म हो जाएंगी कौन ऐसा इंसान है जो ग़लती नहीं करता जो मासूम अनिल अम्बिया के अलावा तो कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ फिर कोई भी इंसान काबिल अतम ना हुआ फिर स्याब कराम भीबिल अतमाद न हुए ताब इन एज़ाम भी आइम दीन भी इमाम अबूनीफ़ा रहमत लमाम मालिक इमाम शाफ़ी इमाम अहम नम्बर और देकर आइम दीन कौन ये दावा करता है कि वह मासूम खता थे और उनसे कभी ग़लती नहीं हुई अगर ग़लती होती थी और फिर भी वो जलील कदर और अजीम शान आइम्मा हैं तो इमाम बुखारी रहमत से अगर कभी ख़ता हो गई तो उस पर इतना उछलना और उस पर इतना कूदना और उसको ऐसे बनाकर पेश करना कि जैसे इमाम बुखारी रमत से अगर एक गलती साबित हो जाए तो उनकी सही बुखारी जो है वो गलत साबित हो जाएगी ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है सही बुखारी का तो मामला ही अलग है ना वो सिर्फ़ इमाम बुखारी रहमत के कहने की वजह से तो सही नहीं हमने मान ली ना एक तो इमाम बुखारी रहमत का दावा है कि यह किताब सही है इसमें मैंने अहादीत सही जमा की हैं और दूसरी बात आइमा मुसलमान जो हैं जो पीछे हम पिछले लेक्चर में ये तफसील के साथ बयान कर चुके हैं कि पूरी उम्मत के उलामा और आइमा दीन ने बेात्फ़ाक़ सही बुखारी को सही तरीन किताब करार दिया है उन्होंने इसको जांचा भी है परखा भी है और उस पर जो जो एतराजात वारद हो सकते थे उनको देखा भी है उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि इसकी सारी अदीस सही हैं तो ये तो उम्मत का इतफ़ाक़ और मामला है और आज भी है, हमारा चैलेंज है अल्लाह के फजल करम और हमने अलहदिल्ला पहले भी मुनकरीन हदीस के सही बुखारी पर जो जितराज़ा थे उनको रफ़ा किया है हमारी किताब सही बुखारी का मताल और फितना इनकार हदीस अलहमदिल्ला तकरीबन आज से बारह साल पहले शाया हो चुकी थी और उसमें अल्लाह के फजलो करम से ऐसे मुश्कित जवाब दिए आज तक कोई मुनकर हदीस हमारे किसी एक जवाब को भी गलत साबित नहीं कर पाया और उसको तोड़ नहीं पाया है कि हमने कोई गलत बयानी की हो या उसने जो एतराज़ किया था मुनकर हदीस ने वो सही था और हमारा जवाब ग़लत था अल्लाह के फजलो करम से और हमारा अब भी चैलेंज है कि आप सही बुखारी पर एतराज़ लेके कर आएं इलमी एतराज़ हम अगर उसको रफ़ा ना करें और आपको ग़लत साबित ना करें तो तब तो आप ये बात करते भी नज़र आते हैं और अल्लाह के फजल करम से मौजूद हैं हमेशा से और क़्यामत तक आज भी बड़े बड़े हैं फकह मौजूद हैं वो आपके इतराज़ा का जवाब देंगे और हम जैसे तालब इम भी, भी अपनी कोशिश करेंगे और आपके दांत खट्टे करेंगे अल्लाह के फजलो करम से बाकी मिसाल के तौर पर एक बात पेश करते हैं जी इमाम अब ज़ुराज़ी राह ते इमाम बुखारी रहा की किताब तारीख़ुल्कबीर पर कुछ जो रावी हैं कुछ मकामा उन पर नकद किया है और एतराज़ किया है कि इमाम बुखारी रमतल का इस रावी के बारे में फ़ैसला दुरुस्त नहीं है और वो इमाम इबन अबी हातिम रहमत लतराज़ को जमा किया है बयान ख़त अलबुखारी के नाम से अब ये इमाम बुखारी रहमत पर कोई जरा तो नहीं है कि इमाम बुखारी रहमत लरिश्ते थे जो गलती नहीं कर सकते थे कुछ रावियों के बारे में उनसे उनका फ़ैसला जो है वो दीगर लमा के फैसले के ख़िलाफ़ है या इमाम अबू बुजुरा रहमै के फैसले के खिलाफ है या इमाम बातम रहमत के फैसले के खिलाफ है या इमाम तिरमजी रहमत के फैसले के खिलाफ है या इमाम अली बिन मदीनी रहमत के फैसले के खिलाफ है तो हम अदब और एहतराम से इमाम बुखारी रमत के उस फैसले को दलाइल की बुनियाद पर चेक करेंगे और दलाल की बुनियाद पर दीगर आइमा की बात दुरुस्त है तो हम उनकी बात को छोड़ देंगे इमाम बुखारी रहमत इंसान थे और उनसे गलती हो सकती थी अब ये जो मामला है बयान ख़त अलबुखारी वाला इसका ताल्लुक सही बुखारी से नहीं है ये इमाम बुखारी रहमत लि किताब तारीख़ुल्कबीर से मतलब है जैसा कि हम बयान कर चुके हैं और उस हवाले से भी माँ ने फिर उसको चेक किया है ना कि वो जो एतराज़ात इमाम बुखारी रमत पर किए गए वो इमाम बुखारी रहमत ल वारद नहीं होते थे उनमें से अक्सर एतराज़ ऐसे हैं जो कातिब की गलती है यानी इमाम बुखारी रहमत जिसने उस किताब को लिखा है लिखने में कुछ मकामा पर उसे साहब हो गया क्योंकि इमाम बुखारी रहमत की कि किताब में दूसरे जो नुस्ख़े हैं दू, दूसरे कातिबों ने जो लिखा है वहाँ वो गलती नहीं है अब ये ख़तीब बगदादी रहमत ला वो क्या फ़रमाते हैं अवहामिल जम बद तफ़रीक़ में वो फ़रमाते वक्त जामा आब्दरहमान अबन अबि हातिमराज़ी यो अलहति अखज़हा अब ुरुरा तबारी ये किताबिन मफ़रा दिन व नज़र तो फ़ी वज कसिर ला तलज़मू कहते हैं कि इमाम इबन अबि हातिम रम्ह ने इमाम अब राजी रमतल के जो इमाम बुखारी पर एतराज़ा थे वो 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 जमा किए हैं एक मुस्तिल किताब में और मैंने उस किताब को देखा है अक्सर जो एतराज़ात हैं वो इमाम बुखारी रहमत पर वारद नहीं होते वक़द हक़ा अनु फ़िज़ाली कल किताब एशिया मद्वानतफी तारीख़ी ही अल्सवाब खिलाफिल हकायत अनह इमाम अबू ज़ुरा रम्ल से नकल करके इमाम इबन हातिम रतल ने जो एतराज़ा नक़ल किए हैं जो लिखे हैं वो मैंने उनको इमाम बुखारी रहमत की किताब तारीख़ में ख़ुद देखा है तो वहाँ पर वो बातें दुरुस्त तौर पर लिखी हुई हैं और जो इतराज़ात हैं वहाँ उन बातों की गलती जो जिसकी निशानदेही करने की कोशिश की है वो गलती इमाम बुखारी की अपनी किताब में नहीं है यानी वो इमाम बुखारी रमत लह से सुनने वाले या लिखने वाले की खता थी बाकी जो शागिर थे इमाम बुखारी रहमत से लिखने वाले उन्होंने उसको दुरुस्त तौर पर लिखा है और जिस कातिब की इमला इमाम अबू ज़ुरा राजी ने पढ़ी थी उसमें वो गलतियाँ थी तो वो कातिब की तरफ़ से थी ना कि इमाम बुखारी रहमत की तरफ़ से तो अब कितना मसला वाजे हो गया है अब यहाँ तक इमाम दारकुतनी रहमत के सही बुखारी की बाज़ अहदीस पर इश्क का ताल्लुक है तो उसको भी समझने की ज़रूरत है कि इमाम दारकुतनी रमत लमाम बुखारी रहमत की सेहत के दावे को चैलेंज नहीं किया पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कितनी अहादीस थी जिन पर एतराज़ किया गया टोटल जो इमाम दारकुतनी रहमत की किताब में वो अहदीस हैं वो दो सौ अठारह हैं तकरीब अब उन दो सौ अठारह में से जो सही बुखारी से ताल्लुक़ रखती हैं वो सिर्फ़ अस्सी हैं जब उनके रहने हदीस बात करते हैं और इमाम दारकुतनी रहमत ला के एतराज़ को नकल करके वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि गोया सही बुखारी सारी मशकूक हो गई भई इम दारकुतनी जैसा नाक़द भी अगर एतराज़ कर रहा है तो सिर्फ़ अस्सी अदीस पर जबकि इमाम बुखारी रमतल की किताब में सात हज़ार से ज़्यादा हदीस हैं सात हज़ार में से सिर्फ़ अस्सी हदीस पर एतराज़ इमाम दारकुतनी रहमत कर पाए और वो भी एतराज़ इमाम बुखारी रहमत लाव सेहत मुतलक सेहत के मतलब नहीं था बल्कि उनका कहना यह था कि इमाम बुखारी रमत की जो बड़ी शर्तें हैं ना आला दर्जे की ये अस्सी अदीस उन आला दर्जे की शर्तों पर पूरी नहीं उतरती ये नहीं कहा कि ये ज़यीफ़ हैं या ये, ये मन गर्द हैं या ये झूठ हैं हाशा बक अल्ला इमाम दारकतनी रहमत ऐसा नहीं कहा है ये आला दर्जे की सेहत के हवाले से इमाम बुखारी रहा की कुछ अदीस पर एतराज़ था कि ये अली दर्जे की सही नहीं है अब अली दर्जे की सही ना भी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अदीस फ़ी नफसी ही सही नहीं है मिसाल के तौर पर एक हदीस है उसको सारे आइमा नकल कर रहे हैं बड़े बड़े आइम् हैं और एक हदीस है कि उसको आम रावी नकल कर रहे हैं जो बड़े दर्जे के आइमा नहीं हैं लेकिन हैं वो भी सच्चे हैं हाफजा उनका भी दुरुस्त है तो इसके मुकाबले में उसकी कुव्वत का फ़र्क तो होगा सेहत के दर्जे का भी फ़र्क़ होगा लेकिन इसकी वजह से उसको ज़यीफ़ तो नहीं कहा जा सकता ना ना इमाम दार कोतनी रमत ने ऐसा कोई एतराज़ किया है और फिर मा ने जैसे कि हाफिज़ हाफ़िबिन हजर रहमतुल्लाह अलैह हैं एक एक हदीस पर इमाम बुखारी रमोत ला दिफा किया है और इमाम दारकुतनी रहमत ला नकद और इतराज़ है उसको गलत साबित किया है कि अली दर्जे की सेहत के हवाले से भी ये एतराज़ इमाम बुखारी रहा पर नहीं आता बहरहाल यहाँ तफसील का मौक़ा नहीं है इमाम बुखारी रहमत का मौक़ ही उन अस्सी अहदीस की अली सेहत की नफ़ी में भी जो इमाम दारकुतनी रहमत की तरफ़ से की गई इमाम बुखारी रहमत ला मौक़ ही दुरुस्त नजर आता है कि वो भी इमाम बखारी रमतल की शर्तों पर पूरी हैं और वो अली दर्जे की सही हैं अब ये सारा का सारा एक जो उनके पास एतराज़ का मौका है उसकी हकीकत आपने जान ली है कि एक है इमाम बुखारी रहमत की किताब तारीख़ उसमें कुछ बातें इमाम बुखारी रहमत पर एतराज़न नक़ल की गई कि यहाँ यहाँ इमाम बुखारी रहमत ल ख़ा हुई है भाई हो भी सकती है खता लेकिन अक्सर मकामा पर वो एतराज़ भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ क्योंकि इमाम बुखारी रहमत खुद वो गलती नहीं की है वो किसी कातब की तरफ़ से गलती थी जैसे कि खतीब बगदादी रमतल ने यह बात बता दी है और जहाँ तक सई बुखारी की आदीस पर एतराज़ का ताल्लुक है तो सही बुखारी की सिर्फ अस्सी हदीस पर इमाम दारकतनी रहमत लात हज़ार से ज़्यादा हदीस में से सिर्फ अस्सी अदीस पर इमाम दारकतनी रहमत लतराज़ किया और वराज़ भी सेहत पर नहीं बल्कि अली दर्जे की सेहत पर है उससे भी इमाम बुखारी रहमत की किताब के सही होने पर कोई हरफ नहीं आता और इमाम दारकतनी रहा ने इमाम बुखारी रहमत की किताब के सही होने पर कोई एतराज़ नहीं किया तो अब जो लोग इमाम बुखारी रहमत पर इस तरह के अकवाल नकल करके एतराज़ करते हैं मुनकर हदीस भी ये ये जो बारिशी मेंढकों की तरह पैदा हो रहे हैं फेसबुक पे हर रोज़ कोई नया मुफकर पैदा हुआ होता है और वो ये दावा कर रहा होता है कि मैं इमाम बुखारी रमतल की ग़लती निकाल रहा हूँ और फिर जब उससे कहा जाता है भाई आप क्यों सही बुखारी पर हमले कर रहे हो तो कहते इमाम दारकुतनी ने भी तो एतराज़ किया अरे जाहिल लोगो इमाम दारकुदनी रमतल ने सेहत पर तो मतलब सेहत पर तो ऐतराज़ नहीं किया आप तो कह रहे हैं झूठ लिखा हुआ सही बुखारी में चौदह सौ साल उम्मत को पता नहीं चला आपको आज होश आई है और आप कहते हैं कि ये झूठ है भी आप अपनी अक़ल का इलाज करवाएं आप इलम के आपके पास अरबी आपको पढ़नी नहीं आती एक हदीस का आप उसकी इबारत नहीं पढ़ सकते आप एक सीधा अरबी का बता नहीं सकते उठे हैं इमाम बुखारी रहमत लतराज़ करने तीसरा एतराज़ जो इमाम बुखारी रहा पर बाज़ हासिदीन की तरफ से किया जाता है और ये मुआनदीन है हासिदीन है ये कोलमाँ नहीं है कि जिनकी बात को ग़ौर किया जाए कि वाकई कोई ऐसा एतराज़ होगा इमाम बुखारी रहमत की देानतमी पर एतराज़ है कि नौज़ुबिल्ला वो इलमी ख़ियानत के मरतकब हुए तो इस बारे में एक वाक़ा जो है वो नकल किया जाता है आ, कई हनफी लोगों ने नकल किया है उसे और हाफिज़ बिन हजर रहा हालाँकि उसकी पुरजोर तरदीद कर चुके थे मसलमा बिन कासम एक आलम गुज़रे हैं उनकी वफात जो है वो तीन सौ तिरपन हजरी में गालबन हुई है चौथी सदी हिजरी के आलम थे मसलमा बिन कासिम ख़ुद वो यानी उनकी तोसीक़ और तजीफ़ में उलमा का ख़ासा इख्लाफ है और बहुत सारे उलमा ने उनको ज़यीफ़ भी कहा है वो मजरूर आवी हैं और कुछ ने उनकी तोसीक़ भी साबित करने की कोशिश की है बहर हाल हमारा यहाँ मौजू मसलमा कासम की तोसीक़ या तज़ीफ़ नहीं है उनसे मंसूब एक कौल है जो हाफ़िज़ बिन हजर रहमतुल्लाह रहमत तहजीबुत तहज़ीब वगैरह में नकल किया है वो कौल ये है कि मसलमा बिन कासिम कहते हैं अब पहली बात तो ये है कि हाफिज़ बिन हजर रहमतुल्लाह रहमत और मसलमा बिन कासिम के दरम्यान भी कई सदियों का फासला है कई सदियों चौथी सदी हिजरी के और हाफ़ि बिन हजर रहामत आठवीं सदी हिजरी के हैं तो चार सदियों का फ़ासला तो आ गया अब कोई ये भी कह सकता है कि हाफिज़ बिन हजर रहा ने मसलमा बिन कासिम की किताब से नकल किया हो एक किताब असिला नाम से उलमा ने जिक्र की है लेकिन वो मौजूद नहीं है मफकूद है किताब आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं मालूम कहाँ है वो मौजूद भी है कि नहीं किसी के पास नहीं हो सकता है बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि हाफिबिन हजर रहा ने मसलमा बिन कासम की किताब से नकल किया हो बहरहाल वाक्य ये है मसलमा बिन कासिम की तरफ मंसूब है कि उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी रहा को जो इल्मी कमाल हासिल हुआ इमाम अली बिन मदीनी रमत की किताब अल की वजह से हासिल हुआ और वो अल जो किताब थी इमाम अली बिन मदीनी रहमत उस किताब वो किसी को नहीं दिखाते थे वो किताब यानी जो अलफाज हैं ना हाफ़ बिन हजर रहा ने जो नकल किए हैं कि इमाम अली बिन मदीनी जो हैं वो बड़े बखील थे उस किताब पर नवजुबिल्ल माज़िल्ला ये भी एक बोहतान ही है इमाम अली बिन मदीनी रमत पर कि वो अल इलल जो हैं वो छुपा कर रखते थे इिलमी काम अपना छुपा कर रखते थे किसी को दिखाते नहीं थे बुखल से काम लेते थे तो इमाम बुखारी रहा उससे बहुत मुतासर थे और उसको हासिल करना चाहते थे एक दिन इमाम अली बिन मदीनी किसी वजह से बाहर गए हुए थे तो उनके किसी बच्चे को इमाम बुखारी रहमत पैसों का लालच देकर वो अल-इलल जो है वो उससे हासिल कर ली और वो हासिल करके उसको जल्दी जल्दी किसी कातिब से इमला करवा लिया यानी नुस्खा दूसरा तैयार करवा लिया और वो किताब जो है इमाम अली बिन मदीनी रहमत घर आने से पहले पहले वापस पहुँचा दी और फिर वो किताब जब इमाम बुखारी रहमत पास आई तो उसी किताबों की उसी किताब की इबारतों को इमाम अली बिन मदीनी रमत के सामने इमाम बुखारी पेश करते थे अपनी तरफ से इस पर इमाम अली बिन मदीनी बड़े परेशान हुए कि किताब मेरी है इलम मेरा है और मुझे ही ये शख्स ये बता रहा है और मेरा ही शगिर्द है इमाम बुखारी शगर्द भी थे ना इमाम अली बिन मदीनी के तो मेरा शगिर्द मेरी ही किताब की इबारतें मुझे पढ़ के सुना रहा है तो उन्हें पता चल गया कि मेरी किताब चोरी हो गई है और इस पर वो इतने रंजो गम में मुबला हुए कि इसी गम में वो फ़ोत हो अब ये जो वाक़ है कितनी बड़ी गप है सबसे पहले तो ये है कि हमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला कि मसलमा बिन कासिम से ये वाक़ हो जो कि चौथी सदी ज़री में फ़ौत हुए हैं उनसे यह वाक़ हो इसका कोई सबूत नहीं है अगर कोई कहे कि इमाम इबन हजर रहा ने यह वाक़ मसलमा बिन कसिम की किताब किसी से नकल किया है मान लेते हैं तो फिर भी मसलमा बिन कासिम से लेकर इमाम बुखारी और इमाम अलमदीनी तक कोई सनद नहीं है तो इमाम बुखारी अलैह जैसा अजीमुल मर्तबत शख्स सारी उम्मत उस दौर से लेकर आज तक उनकी जलालत इल्मी पर शाहिद है और मोतरफ है उनके बारे में ऐसी गप हांकते हुए इन लोगों को शर्म भी नहीं आती और अगर मसलमा बिन कासिम ने बिलफर्ज़ ये बात कही भी है तो ये जो नकल करने वाले हैं उसको बतौर तइद और अपनी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ल से अदावत निकालने के लिए जो लोग इसको बतौर सच लोगों को बताते हैं और ये वावर कराते हैं कि इमाम बुखारी रहमत इल्मी तौर पर ख़यानत के मरतकब हुए तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको शर्म आनी चाहिए डूब मरना चाहिए उन्हें इमाम बुखारी रमतल की अदावत में तो बहरहाल ये हाफिज़ बिन हजर ले ने भी इस वाके को नकल किया है और नकल करके उन्होंने सख्त इस पर रद्द किया है और सख्ती से उसकी तरदीद कर दी और उसको मुस्तरद कर दिया है और पहले तो उन्होंने ये फरमाया है कि ये बिला सनद है मसला बिन कासिम से लेकर आगे तक इसकी सनद कहाँ है इसको कैसे मान लिया जाए और दूसरी बात यह है कि इमाम अली बिन मदीनी जब फ़ौत हुए हैं तो इमाम बुखारी रमोत ल उन्हीं के शहर में मौजूद थे और इस वाक़े में यह कहा गया कि इमाम बुखारी रहमत इस किताब को लेकर खुरासान चले गए और पता नहीं इस तरह की बातें की हैं कि वहाँ जाकर फिर इसी किताब की बुनियाद पर सही बुखारी की तारीफ़ उन्होंने की है इसी तरह हाफ़ि हजर रहमत लि फ़रमाते हैं कि अलिल लिबिन मदीनी को इमाम बुखारी के अलावा कई रावियों ने रिवायत किया है जिस तरह इस वाक़े में बताया जा रहा है कि इमाम अलिबिन मदीनी तो उसको छुपा कर रखते थे बड़े बखील थे उस पर लोगों को दिखाते नहीं थे वो तो इमाम बुखारी के अलावा कितने लोग हैं उसको रिवायत करने वाले तो अगर वाकई ऐसा होता जिस तरह इस झूठे वाक़े में बयान किया गया है तो फिर और लोगों का समा कैसे होता अलिल का और उसके जो उसकी रिवायत और लोगों से कैसे होती तो ये बिल्कुल झूठ पर मबनी वाक़ है और इमाम बुखारी रमत को अपनी जो फ़िक्र अदावत है उसकी भेंट चलाने की ये कोशिश है और इसकी बिल्कुल कोई हकीकत नहीं और हम गुज़ारिश करते हैं आ, उन हनफी लोगों से जो ऐसे वाक़ात पढ़ के या सुन के और फिर इस तरह के वाक़ जो होते हैं वो उमूमन जब वो ये दरसे बुखारी दे रहे होते हैं आ, कई अहनाफ़ के केमा या फिर इमाम बुखारी रहमत पर मसाइल का रद्द कर रहे होते हैं कि इमाम बुखारी रहमत की सही में ये मसला ऐसे लिखा हुआ और हमारा अनाफ का मसला ये तो उस वक्त इस तरह की छोड़ते हैं और इस तरह की गप्पें सुनाते हैं लोगों को इमाम बखारी रहमतल्ल की कदर कम करने के लिए कि लोगों में अगर उनकी इलमी कदर उसी तरह उनके दिल में बैठी रही तो वो तो फिर हमारी फ़िका से तो जाते रहेंगे तो इस तरह के हासिल लोग जो हैं वो हम सब को नहीं कहते सब ऐसे नहीं हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं हमने ख़ुद अपने कानों से ये बातें सुनी हुई हैं इमाम बुखारी रमतल की अदावत उनसे छुपाए छुपती नहीं है बहुत से लोग ऐसे हैं तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे तो ये एतराज़ भी इमाम बुखारी रमत पर जो ख़ैनतमी का है बिल्कुल झूठ पर मबनी है इसकी कोई हकीकत नहीं चौथा एतराज़ इमाम बखारी रहमत की जो शख्सियत पर लगाया जाता है ये मुनकरीन हदीस की तरफ़ से भी लगाया जाता है और बाज़ मखालदी की तरफ़ से भी लगाया जाता है कि इमाम बुखारी रमत ख़ुद अपनी अदीस की मुखालफत करते थे और इस सिलसिले में एक जो मशहूर वाक़ा वो नकल करते हैं कि इमाम बुखारी जो सीरत इमाम बुखारी की सीरत की बहुत सारी किताबों में वो वाक़ वारद है आ, हमारे इलम में उसकी कोई सही सनत तो नहीं है लेकिन चूँकि बहुत सारी किताबों में और इमाम बुखारी की सीरत में उमूा बयान किया जाता है तो लिहाजा ये ज़रूरी महसूस होता है कि अगर हम इस वाक़े को सही भी समझ लें तो इमाम बुखारी रहमतल पर कोई एतराज़ वारद नहीं होता वो एतराज़ क्या है वो ये है कि इमाम बुखारी रहमत आखिर उम्र में जब सितम से तंग आ गए और बुखारा की ज़मीन उन पर तंग कर दी गई तो इमाम बुखारी रहमत ने मौत की तमन्ना की कि मैं इस फितने से बचने के लिए अल्लाह से मौत की दुआ करता हूँ इस तरह के बाज़ अल्फाज बाज़ वाक्यात में मरवी हैं इमाम बुखारी रहा से मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई सही सनद हमारे इलम में नहीं आ सकी अगर बिलफज इस वाक़ को सही भी मान लिया जाए तो फितने से बचने के लिए मौत की तमन्ना करना ये ममनू नहीं है सही बुखारी की जो हदीस है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि रसूल सल्लाम ने फ़रमाया कि किसी बीमारी की वजह से तुम मौत की तमन्ना ना करो अगर तुमने मौत की तमन्ना वाकई ज़रूरी तौर पर करनी हो तो दुआ यूँ करो यह रसूल वसल्लम उसी हदीस में ये अल्फाज हैं कि किसी बीमारी की वजह से ला या तमन्नायन ना अदो मौत लिदुर्र नज़ल अभी कोई बीमारी व मुसीबत जो उस पर उतरी है उसकी वजह से मौत की तमन्ना ना करो फ़ैन काना लाबुद मतमयन अगर ज़रूरी हो तमन्ना करना तो वो ऐसे अल्फाज से करे कि ए अहिनी माँ कानतल हयात व खैरली वफ़ा माँ का निलफ़ात खैर अली के अल्लाह जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रखो और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो फिर मुझे मौत दे देना तो ये अल्फाज आ, सही बुखारी वगैरह में नबी करीम अलैहि वसल्लम से मरवी हैं अब इन पर अगर गौर खुद इमाम बुखारी रमत ने जो इस परवान कायम किया है वहान ये है कि बाबु न ये तमनमरीज़ अलमौता कि एक मरीज़ के लिए मना है कि वह मौत की तमन्ना करें यानी यह मरीज़ के लिए है फितना जो दीनी हवाले से वाक़ हो रहा हो और लोग किसी को दीन इस्लाम से रोकने की कोशिश में और उसको मजबूर कर रहे हों कि वो हदीस से पीछे हट जाए या कुरान से पीछे हट जाए इस्लाम के शायर हैं उनसे हट जाए तो उस वक़्त इंसान अगर तमन्ना करे कि अल्लाह मैं कहीं फिसल ना जाऊँ मेरी साबत कदमी में कहीं कोई लफजिश ना आ जाए तो मुझे उठा ले तो इसमें कोई हरज नहीं है ख़ुद इस हदीस में जो अल्फाज हैं व तोा ने माँ का नफ़ात उखैरली एला जब वफ़ात मेरे लिए अच्छी हो तो मुझे मौत दे देना तो ये मौत की तमन्ना ही है तो इमाम बुखारी रमत ल से अगर ये साबित हो जाए तो ये कोई इमाम बुखारी रहमत पर एतराज़ नहीं है बल्कि हदीस की मुआफ़त ही है और ख़ुद हनफ़ी उलमा ने भी ये लिखा है जैसा कि हमारे पास सही बुखारी का जो दरसी नुस्ख़ा है जो मदारस में उमूा पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है उस पर जो हाशिया है वो जनाब सहारनपुरी देवबंदी साहब का है तो उन्होंने खुद ये बात लिखी है वो कहते हैं कि वह अम्मा इज़ा ख़ाफ़ा जारा रान फ़ी दीनी ही फ़लाह कराही तफ़ी ही लि मफहम हदीस इस हदीस के केफह एक हदीस भी जिक्र की उन्होंने कहते हैं इस हदीस की वजह से अगर कोई शख्स अपने दीन में नुकसान का ख़तरा महसूस करे तो मौत की तमन्ना मकरू नहीं है बल्कि वो तो कहते वक़ात फलाज़ा हाजा न मिनलफ़ ही इंदा खौफिल फितनादी हदियान बहुत से असलाफ़ उम्मत ने और इस बारे में रवायात हैं हम उनकी सेहत या उनकी असनाद के दरपय नहीं हुए वक़्त की कमी की वजह से और सैदा उमर रजी अल्लाव से भी मनसूब रिवायत और इस तरह और भी कई लोगों की तरफ असलाफ की तरफ यह मनसूब है कि उन्होंने मौत की तमन्ना की आलम बवाब तो बहरहाल ये हनफी आलम हैं वो लिख रहे हैं कि जब दीन में कोई शख्स फितने का ख़तरा महसूस करे तो मौत की तमन्ना मकरू नहीं है तो वो इमाम बुखारी रहमत ला दिफा कर रहे हैं और आज कोई अगर हनफी इस तरह का एतराज़ करता है तो ये उसकी जहालत है और अगर कोई मुनकर हदीस ऐसा एतराज़ करता है वो तो पक्का ठक्का जाहल है क्योंकि ख़ुद से ही बुखारी की यह हदीस ही उसके एतराज़ को रफ़ा कर रही है पाँचवा एतराज़ इमाम बुखारी रहा पर जो बड़े बड़े एतराज़ार किए जाते हैं उनमें से एक ये है कि इमाम बुखारी रम्तु ललके कुरान के कायल थे और वो मतरूक थे यानी हदीस करार देने की कोशिश की जाती है इस हवाले से एक कौल तो इमाम अब्दुलरहमान बिन नबी हातिम राजी रही का है जो अलजर व तदील में उन्होंने ये नक़ल की है फ़रमाया है उन्होंने के सामे आमिन हो अबी बबू झुर आता मत तारा का हदीस होन्दमा का तबा लिहा मोहम्मद अब्न बू अन्नाजहरा इन हम अन् लफ्ज़ हो बल क़ुरान मखलूक़ुन के मेरे वालद इमाम अबू हातिम ने और इमाम अब रा राजी राही मूल अल्ला दोनों ने इमाम बुखारी रमत लदीसें सुनी फिर उन्होंने इमाम बुखारी रहमै की हदीसों को छोड़ दिया उस वक़्त जब मोहम्मद बिन याहिया निस ने उनको ख़त लिखा कि इमाम बुखारी रहमत कहा है कि कुरान के तलफ़ जो अल्फाज हम बोलते हैं कुरान करीम पढ़ते वक़्त वो मखलूक़ हैं तो ये जो कौल है इस वजह से मेरे वालद अबू हातिम ने और इमाम अबू ज़ुरा राजी रहमत ला ने दोनों ने इमाम बुखारी रहमत लैसे से हदीस लेना छोड़ दिया अब जहाँ तक तो इस बात का ताल्लुक है कि इमाम बुखारी रहमत कहा कि अल्हजी बरनी मखलूक के मेरे अल्फाज जो हैं कुरान पढ़ते हुए मखलूक़ होते हैं ऐसा कतान इमाम बुखारी रहमत लेबित नहीं है और ये गलत फाहमी थी मोहम्मद बिन या जुहली रमतल ने यह बात जो ख़त में लिखी थी यह दुरुस्त नहीं थी ये इमाम जुहली रहमत को भी गलत फाही हुई कि शायद इमाम बुखारी रहमत ऐसा कहा और खुद उन्होंने ये दावा नहीं किया कि उन्होंने इमाम बुखारी रहमत से सुना है कुछ लोगों ने बात की होगी ऐसी या हो सकता है कि इमाम बुखारी रहमत अल्फाज उन्होंने सुने हों और उसको सही समझ ना पाए हों इमाम बुखारी रमतल हाशा वकल्ला कभी इस बात के कायल नहीं रहे कि कुरान मखलूक है या फिर कुरान करीम के जो अल्फाज पढ़ते हुए हम अल्फाज पढ़ते हैं वो अल्फाज मखलूक़ कुरान करीम को किसी भी अतबार से मखलूक़ कहना ये बिल्कुल गलत है और ये जायज़ नहीं है इमाम बुखारी रहमत ले तो बंदों के अमाल को मखलूक कहते थे और इस हवाले से ख़लक वफ़ाल इबाद नामी किताब भी उन्होंने लिखी और आइम दीन जो हैं वो हमेशा से इमाम बुखारी रहमत के इस तर्ज अमल को जानते थे इसके बावजूद उन्होंने इमाम बुखारी रहमत की ज़ात या उनकी अदालत या उनकी देहानत पर एतराज़ का ये सबब नहीं बनाया इस वाक्य को जैसा कि हाफ जहाँ भी रहमत लिखते हैं नाकद रिजाल हैं वो क्या फरमाते हैं कहते हैं हाजिर ही मसअलतुन त ये एक मुश्किल मसाला है यानी खलक़ कुरान के हवाले से आ, बड़ी मुश्किल आइमा दीन को पेश आईं और ये एक पेचीदा मसला भी है तो कहते हैं इमाम अमिर हम्बर रहा और दीगर जो उलमा हैं वो इस मसले में ज़्यादा गौर व ख़ोज़ करने या इसकी मीन मेख में जाने पेचीदगी में जाने को दुरुस्त नहीं ख़याल करते थे बावजूद वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमत मा सर रहा बेजालिक ऐसी कोई बात नहीं कही इमाम बुखारी ये अमामा जहाबी रहमत फ़रमा रहे हैं वाला कलाफा ना बिलकुर मखलूक़ा तो ना इमाम बुखारी रहमत लें ना कुरान को मखलूक़ कहा ना उन्होंने ये कहा कि हमारे अल्फाज जो कुरान पढ़ते हुए हम अल्फाज अदा करते हैं वो मखलूक़ हैं ऐसा भी नहीं कहा बल्कि वो तो कहते हैं हमारे अफ़ाल मखलूक़ हैं और ये तो कुरान करीम का फ़ैसला है अल्लाह खाली का मात आमून अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया तुम्हारे अमाल को भी पैदा किया है लेकिन कुरान करीम लफजी बिल्रन मखलूक़ या अल्फाज ना बिलानी मखलूक ऐसा इमाम बुखारी रहमत ने बिल्कुल नहीं कहा बल्कि इमाम बुखारी रहमत से आ, जो इमाम ज़ाहबी रहमत नकल करते हैं इमाम बुखारी ने क्या कहामकरू अलमलफूज़ हुआ कलाम अल्लाह उल्ल इमाम बुखारी तो कहते थे जो पढ़ा जा रहा है जिस जो तलफ़ुज किया जा रहा है वो भी अल्लाह का कलाम है वल सभी मखलूक़ मखलूक नहीं है तो कहते हैं कि बस मजीद इसमें कि इसकी मीन इस में एक निकालें इसमें पेचीदगी में पढ़ें और इसमें ज़्यादा कोई तफसील करें तो उससे जो है रुक जाना ही सलामती है ये सियर वालामा जहवी ररमाया है उसके अलावा इमाम अहमद बिन हमर रही इमाम बुखारी रहम्ल के उसताज भी हैं इमाम बुखारी रमतल अपनी सही में भी इमाम अहम हम्बल से रिवायत लाए हैं तो फिर कैसे हो सकता है कि इमाम अहमिर हम्बल वो जो इमाम बुखारी रमत के ख़िलाफ़ मौक़ रखते हैं और इमाम बुखारी उनके खिलाफ मौक़ रखते हों और ये कुफ़र इस्लाम का मसला है छोटा सा मसला नहीं है कुरान को मखलूक कहना ये इमाम अहमिर हम्बल के नज़दीक भी कुफ़र है और इमाम बुखारी के नज़दीक भी कुफर है और अगर इतना बड़ा को मसला होता तो फिर इमाम आमिर हम्बर रहमत लमाम बुखारी रहमत लताशिर्दर्दर्द कैसे होते और सही बुखारी में फिर इमाम बनबल से रवायत कैसे होती यहाँ जो सारा का हदीसा हुआ है ना कि इमाम बहाते में इमाम ज़ुरा ने हदीस छोड़ दी ये तर्क असिलाई नहीं है वो जो होता ना कि मतरूकदीस जिसकी हदीस को रद्द कर दिया जाए और वह रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल हो जाए से रावी को कहते हैं वो एक असला है यहाँ इमाम बुखारी रमत के हवाले से जो तर्क लफज बोला गया है वो इस माना में नहीं है ये लघवी तर्क है कि उन्होंने एक गलत फामी बनी तो उन्होंने आर्जी तौर पर जब तक उसकी वजाहत नहीं आती उनके पास उन्होंने कहा कि हम अदीस से सकूत कर लें और लेना छोड़ दें ये मतलब नहीं कि उन्होंने वो इमाम बुखारी रमत लरा कर दी और इमाम बुखारी रहमत अगर तारा का हदीस हो इमाम बुजुर्ग के छोड़ देने इमाम हातिम के हदीस छोड़ देने की वजह से अगर वो मतरुक हदीस हो गए और ये जरा का सबब है तो फिर इमाम इब्ने अबी हातिम यही इब्ने अबी हातिम जिन्होंने वो तरक के अल्फाज नक़ल किए हैं अलजर व में वही इमाम इबन अबी हातम रहमत अबू अबूनीफ़ा रहमत के मतलब फ़रमाते हैं तारा का हुबनमबारक भी आखिरतिन इमाम इबन मुबारक ने आखिरी उम्र में इमाम अबू नीफ़ा को तरक कर दिया था यह भीजरुब तदील में हवाला मौजूद है तो क्या कोई हनफी इसका ये माना करेगा कि इमाम अब्दुल्लाब मुबारक रहमत ने इमाम अबूा रहमत को मतरूक हदीस करार दिया या ये कहा कि इनकी हदीस और रदीब की टोकरी में फेंकने के काबिल है इस कॉल पर हम ज़्यादा यानी तफसील में जा ही नहीं सकते वक़्त नहीं है हमारे पास ना इसकी हम कोई तशरी कर सकते हैं सिर्फ़ अहनाब से ये सवाल है कि अगर उस कॉल को लेकर आप इतना उछल रहे हैं रकूद कर रहे हैं और इमाम बुखारी रमत से अपनी अदावत जो है वो निकाल रहे हैं तो फिर इमाम अबू हनीफा अबिफ़ा रमतल के बारे में फिर आप क्या कहेंगे ठीक है और इमाम मुस्लिम रमतल ने इमाम अली बिन मदीनी रहमत इमाम मोहम्मद बिन या जोली दोनों से रिवायत लेना तर्क कर दी थी ये भी लघवी तरक था ना कि इतलाही और ना कोई जरा थी बस एक मामला ऐसा है कि जो शुबा पैदा हो गया कि जब तक वो रफ़ा नहीं होता हम सुकूत कर लेते हैं उनकी आदिश लेने से अपने आप को रोक लेते हैं तो क्या ये कहा जाएगा कि इमाम मुस्लिम के नज़दीक इमाम अली बिन मदीनी और इमाम मोहम्मद बिन या ज़हली भी मतरूक थे सिर्फ़ इमाम बुखारी रहमत इतराज क्यों तो इमाम बुखारी रहमत कतान ये बात नहीं कही जो ग़लत फहमी फैलाई गई थी उसकी वजह से जो उन्होंने इमाम बुखारी रहमत से रिवायत लेना छोड़ी वो भी इमाम बुखारी रहमत लाबित नहीं है और इमाम बुखारी रहमत ने ऐसा नहीं कहा जब ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने और ऐसा उनका मौक़ ही नहीं था तो अगर बिलफर्ज़ उन्होंने सख्त जरा भी कर दी होती थी वो भी रात होनी थी क्योंकि यह गलत फामी की वजह से हुई जैसा कि हाफिजाबी रहमत बता दिया है कि ऐसा कुछ इमाम बुखारी से साबित नहीं है अब एक कौल जो है वो हाफिजिन हजर रहमत लसलमा बिन कासिम से नक़ल किया पहले भी मसलमा बिन कासिम के बारे में बात हो चुकी है तो तहजीब तहजीब में ही हाफिज़ बिन हजर रहमत यह नकल किया है कि मसलमा बिन कासिम ने कहा कि कान यकूल वखल्क्रन फ़ानकारा ज़ालि का ही खरासान के इमाम बुखारी रहमत ने कुर करीम को मखलूक कहा नौजबिल्ल माज़िल्ला तो खुरासान ने इमाम बुखारी रम्मत ला सख्त रद किया ये भी गप है परले दर्जे की हाफ़ि ने हज़र रहमत ने भी कहा कि मसलमाबिन कासम से पहले तो दुनिया में किसी ने ही बात नहीं कही कि इमाम बुखारी रमोत ल नवजुबिल् माज़ल कुरान करीम के मखलूक होने के कायल हों उन्होंने तो खुद सही बुखारी में किताब तोहहीद में कुरान करीम को अल्लाह का कलाम साबित किया है और अल्लाह के कलाम के मखलूक होने की नफी की है किताबो तौहीद पढ़ के देखें बखिए उधेड़े हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उन गुमराहों के जो कुरान को मखलूक कहते हैं या कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते या कलाम को अल्लाह की सिफत नहीं मानते मखलूक मानते हैं तो सही बुखारी में तो उसका रद्द मौजूद है, तो रद है। ये कैसे हो सकता है कि सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रहमत सख्ती से रद्द कर रहे हैं उन गुमराहों का Osionfish. इस हवाले से और ख़ुद जो है वो कुरान को मखलूक कह रहे हूँ और दूसरी बात यह है कि मसलमा बिन कासिम से यह कौल साबित है कि नहीं ये भी महल नज़र है पहली बात तो यह कि मसलमा बिन कासिम से लेकर इमाम बुखारी तक अगर मसलमा बिन कासिम ने यह बात कही भी है तो उनसे लेकर इमाम बुखारी तक सनद कहाँ है और अगर बिलफर्ज़ ये मान लिया जाए कि मसलमा बिन कासिम ने यह बात कही है तो ये खुद मसलमा बिन कासिम पर जरा बनेगी इमाम बुखारी पर तो नहीं जरा बनेगी क्योंकि ये झूठ है इमाम बुखारी पर साबित ही नहीं उनसे और मसनूा बिन कासिम से ये कौल साबित है कि नहीं आलम बसवाब ऐसा हमारे इलम में नहीं है तो ये एक आर्जी और शुबे की वजह से अगर हदीस को छोड़ देना ये मतरुक हदीस होना और अगर ये जरा है तो फिर हम अहनाफ से ये पूछते हैं कि इमाम अबू नीफ़ा रहमत के हवाले से क्या ख़्याल है जिनको अब्दुल्ला बिन मुबारक रहाम ने छोड़ दिया था तो क्या वो मतरूकह हदीस हो गए थे और फिर यहाँ तो इमाम बुखारी रहमत लम्मा दीन जो किबार हैं उनमें से किसी ने ये जरा नहीं की कि वो कुरान को मखलूक़ समझते थे और है भी झूठ सब मानते हैं झूठ है लेकिन इमाम अबू अबूनीफ़ा रमत पर तो बेशुमार बेशुमारूहत मौजूद हैं और इमामब्बान रमतल तो फ़रमाते हैं कि इन् आइमत अलमसलमीना वाहलवार दीनी फ़ी जमीमसारी वायरल अक़तारी जर्रह हो अतलकू अल्कदा अलवाद अबादल वाहिद के इमाम बुखारी रहमत पर तमाम आइम मुस्लिमीन जो हैं और दीन में अल्ला रब से डरने वाले जो ख़ैशियत इलाही वाले हैं तमाम इलाक़ों केमा और तमाम ख़त्ों के रहने वाले ने इमाम अबू नीफ़ा रमत पर जरा की है और उनको मजरू करार दिया है और इमाम इमामज़ी रहमत वो फरमाते फ़लम यब का तबा रुमिन तफ़ी ये इमाम इबन इबाँ रहमत ल कौलमजरून में है और इमामजोज़ी रहमत ला कौलमनतज़म उनकी किताब है उसमें है के फ़लम का मतबर उमनती कल्माफ़ी ही कोई काबिल अतबार इमाम दुनिया में नहीं है मगर उसने इमाम अब नीफ़ा रमोत पर जरा की है तो क्या उन जरूहत को वो मोतबर समझ कर इमाम अब नीफा रहमत को मतरू कहेंगे या उनकी भी दुश्मनी पर उतर आएँगे या उनको भी बेबुकत और बेहसीत मान लेंगे तो कैसा ये इंसाफ़ है कि एक तरफ़ एक कौल है जो बेसबूत है जिसका सबूत ही नहीं इमाम बुखारी रहा से और दूसरी तरफ आयम हाँ दीन के सब शुदा बेशुमारवाल हैं एक को आप जनाब सार पे चढ़ा रहे हैं और दूसरे सब को आप रद्द कर रहे हैं ये कैसा इंसाफ़ है तो खसूस ये जो मसला है खल़ क़ुरान वाला अफसोस की बात यह है कि अहनाफ अपने घर को नहीं देखते और ये हम ए, को ख़ुशी से ये बातें नहीं कर रहे ना हमारा कोई मकसद है ना हमने कभी इस तरह की बातें जो हैं वो ऐसे की हैं सिर्फ मजबूरी है आईना दिखाना मकसूद है और गौर गौरव फिक्र की दावत देना मकसूद है कि जो लोग इमाम बुखारी रहमत पर इस तरह की बेबुनियाद बातें मंसूब करते हैं और ये बहुतान बाधते हैं कि वह कुर करीम के मखलूक होने के कायल थे वो ज़रा ये कौल जमाम इबन इबा रहमत सही सन से अलमजरूहन में नकल किया है और कौल भी किसका है काजी अबू यूसफ़ का जो खास शागिद है इमाम अबूनिफ़ा रहमत ल जो सािबान में से एक हैं काजी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन साहिबाह इनको कहा जाता है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रह, अलैह और काजी काजी अबू यूसुफ को शेखैन भी कहा जाता है तो ये अहनाफ के शेखैन में से एक हैं और इमाम हनीफा के शागिर्द खास हैं शागिर्द रशीद हैं वो फ़रमाते हैं मन क़ाल अल क़ुरान व मखलूकन अबू हनीफ़ाता यूरीदबुलफ़ा वो कहते हैं काज़ी अबू यूसुफ का कौल और सनद सही है अल अलमजरूहिन इबन इबान में कि सबसे पहले कोफ़ा में जिसने कुरान को मखलूक कहा वो इमाम अबू हनीफा थे अब ये तो कौल सही भी है सनद भी सही है कहने वाले भी कोई दूसरे नहीं अपने हैं अबू यूसुफ़ काजी अबू यूसुफ़ हैं इमाम अबू यूसुफ़ हैं तो हम ये नहीं कहते कि इमाम अबू रहमतुल्लाह अलैह इस कौल पर डटे रहे बल्कि बहुत से अकवाल ऐसे हैं जो उन्होंने छोड़ दिए थे और ये कौल भी बड़ा मशहूर वरूफ है तरीक़ बगदाद वगैरह में साबित है उसमे कुफरी मर्रति दो दफ़ा कुफर से तोबा करवाई गई तो कुफरी कलमा इंसान लामी में या किसी वजह से कह सकता है और उनके मुँह से निकल गया होगा और फिर उनसे उनको तोज्जो दिलाई गई और उन्होंने तोबा कर ली हम ये नहीं कहते कि नवज़िल्ला वो कुफर पर मार गए या वो ये अकीदा ले कर दुनिया से चले गए हमारा ऐसा कोई आ, ना तो हमारा दावा है ना हमारा कोई इरादा है ऐसा कॉल कहने का सिर्फ अनाफ से या जो तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए इमाम बुखारी का दुश्मन कौन नाल हो सकता भला बहरहाल उन हर धर्म लोगों से जो इमाम बुखारी रमत की जात को निशाना बनाने के लिए इस तरह की बातें झूठ फैलाते हैं उनके लिए ये कौल है कि इमाम अबू यूसुफ़ ने यह कहा कि सबसे पहले कोफ़ा में कुरान को मखलूक कहने का कौल इमामीफा ने कहा तो इस पर वह क्या कहेंगे इस पर कोई नहीं बात और इमाम बुखारी रहमत पे हो गए तो बहरहाल ये एतराज़ भी पहले एतराज़ार की तरह झूठ का पलंदा है और इसमें कोई हकीकत नहीं एक और बात जो आजकल बहुत ज़्यादा उछाली जा रही है और हमने फेसबुक पे भी बहुत दफ़ा ये बात पढ़ी है और वेबसाइट्स पे भी गूगल पे अगर आप सर्च करें तो कई मौक़ों पर आपको ये लिखी हुई बात नज़र आएगी जिनमें वो लिखने वाले मुनकरन हदीस भी हैं रवाफ़ भी हैं और फिर बाज़ मकल्दीन भी हैं और सारे नहीं मैंने ख़ुद पढ़ा है कि इस एतराज़ जो मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ इसका एतराज़ एक हनफी आलिम ने जवाब भी दिया हुआ है तो सब की बात नहीं कर रहे कुछ लोग जो जो अंदेश है उनकी बात कर रहे हैं वो एतराज़ जो अमूमन मुनकरन हदीस उमूा करते हैं आज कल वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमत जो दावा किया है कि मैंने इतनी लाख हदीस में से इतनी हज़ार हदीस जो हैं वो मंतखब करके सही बुखारी में दर्ज की हैं और फिर इमाम बुखारी रहमत से ये साबित है कि उन्होंने हर हदीस को लिखने से पहले इस्तारा उन्होंने बताया कि मैंने हर हदीस को लिखने से पहले इस्तारा किया ग किया इसखारा किया और फिर हदीस को लिखा है तो वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रमतल की ज़िंदगी को अगर देखें उनकी जो ज़िंदगी है उसमें किस तरह उन्होंने इतनी लाख हदीस में से इतनी हदीस को मंतखब कर लिया और फिर हर हदीस से पहले गौसल भी कर लिया इस खारा भी कर लिया और वो इस तरह के फिर वो निकाल रहे होते हैं हिसाब किताब जी इमाम बुखारी राम ने अगर छः लाख हदीसों पर इस तरह किया हो तो तकरीबन दो लाख घंटों की ज़रूरत होगी और फिर अगर दिन रात काम किया हो तो इतने घंटे लगे होंगे अगर दिन में छः घंटे काम किया तो इतने घंटे दिन में चार घंटे काम किया हो तो इतने साल और इतने दिन लगे होंगे बहरहाल हमें उससे कोई सरोकार नहीं है ये सारी मगजमारी उन्होंने अपना वक्त ही ज़ाया किया है क्योंकि असल मकसूद ये है पहली बात यह है कि क्या इमाम बुखारी रहमत इतने दूध पीते बच्चे थे कि हर हर हदीस को वो ले बैठ जाते और कई कई दिन उसकी तहकीक करते रहते इमाम बुखारी रहमत तो आइम फ़न में से थे जो अदीस की इलल से वाकिफ थे उनको ये नहीं कि एक एक हदीस को लेकर बैठे और कई कई दिन और महीने उसकी ताकी करते रहें रिजाल के बारे में भी उनके पास वाफिर इलम था हदीस की इलतों के बारे में वाफिर इलम था और फिर उनके सामने जो अदीस थी और फिर ये सनदें जो हैं वैसे अगर मतून की बात की जाए जो सही सहीदीस के मतून हैं मतलब एक हदीस है इन न माल और इसी तरह एक हदीस है कि काली मतानी हबीब तानी और एक हदीस और है एक और है अगर मतून की बात की जाए तो ये तो कोई दस से पंद्रह हज़ार के दरमियान है जो सही अदीस के सही मतून हैं वो इतने ही हैं बाकी तो इनकी सनदें हैं एक हदीस की सौ सनदें हैं तो वो सौ हदीस कहलाएगी ये मुहदसिन के हाँ उसको पूरी बात एक हदीस जो थी उसको एक अलग और मुस्तिल हदीस शुमार किया जाता था दूसरी सनद को अलग हदीस शुमार किया जाता था तो यूँ जो लाखों हदीस हैं वो हज़ारों बन जाएंगी एक हदीस की बहुत दर्जनों दर्जनों सन्दें तो इमाम मुस्लिम रमोत लर्ज की हुई हैं आप देखें तो सही इमाम मुस्लिम रहमत ली किताब का मताल करके एक एक हदीस की दर्जनों दर्जनों सन तो वो दर्जनों अदीस जो हैं वो एक हदीस हैं गोया के इमाम बुखारी रहमत ला एक हदीस को बार बार अपनी किताब में लेके आते हैं आ, वो दसियों दफ़ा तो वो एक ही हदीस होती है संदें मुख्तलिफ होती हैं तो वो उनको आप दसियों या सैकड़ों हदीसें समझें वो एक हदीस है दूसरी बात यह है कि इमाम बुखारी रहमत लो अदीस को जमा किया है ऐसा नहीं कि एक हदीस को लिखने के लिए वो अलग से गुसल करते और अलग से इसखारा करते और फिर एक हदीस लिख के उठ जाते थे मिसाल आज लिखने बैठे हैं इमाम बुखारी रहाम तो लिखने से पहले जाके उन्होंने गसल किया है गसल के बाद उन्होंने दो रखते पढ़ी हैं इस्तारा किया और इसखारा इस बात पर नहीं किया कि इसतखारे के ज़रिए वो अदीस की सेहत जोफ जान रहे हों होंदीस की सेहत जोफ तो असूल अदीज़ से होती है ना हाँ कोई भी अहम अमर जो है रसूल सल वसम ने फरमाया तो में से कोई भी अहम अमर अगर सन अंजाम देना चाहे दो रखते पढ़े और फिर इस्तारे की दुआ करे अल्लाह की तरफ़ से उसमें खैर और बरकत नाजिल होती तो इसलिए इमाम बुखारी रहमत थे और एक दिन बैठे हैं मिसा सुबह बैठना है तो सुबह के वक़्त फजर के बाद गौसल किया है दो रक्तें पढ़ी हैं इसखारा की और उसके बाद लिखने बैठ गए कि मैं जो कुछ लिखूँ मेरे लिए अगर उसमें दीनों दुनिया की भलाई है तो मैं उसको लिख सकूँ और अगर उसमें लिखना जो है मेरे लिए उसमें दीनो दुनिया की भलाई नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उससे दूर कर दे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सुबह को बैठे हैं गुस्ल करके इस्तारा करके और उन्होंने मिसाल के तौर पर बीस हदीसें लिख दी तीस लिख दी पचास लिख दी सौ लिख दी दस लिख दी तो अब अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर वो टोटल अहदीस सात हज़ार से ऊपर हैं कुछ तकरीबन सात हज़ार हैं तो उस पर सोलह साल की मुद्दत तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के हवाले से मशहूर और वरूफ ज़ुबान जदम है कि 16 साल में उन्होंने ये किताब तसनीफ़ की है तो अब आप हिसाब लगाएं आपके हिसाब किताब आपको समझ आ जाएंगे कि इमाम बुखारी रहा ने कैसे इतनी अदीस जमा कर ली और फिर कैसे हर हदीस से पहले इस्तारा कर लिया और कैसे गोसल कर लिया ये कोई इतराज वाली बात ही नहीं थी ये तो जहालत पर मबनी प्रॉपिगंडा है ना ये इस तरह के ये थड़े बाज़ जो होते हैं ना ये मुनकरन हदीस ये जो सोशल मीडिया पे खुंबियों की तरह उगे हुए हैं ये इस तरह की बातें ये करते नज़र आते हैं किसी पढ़े लिखे बंदे की तरफ से हमने ये इतराज नहीं सुना अब आखिरी जो इतराज हम इस मजलिस में जिक्र करना चाहते हैं वो है इमाम बुखारी रहमत किस्म का एतराज़ कि इमाम बुखारी रहमत इतनी बड़ी शान और इतना बड़ा मकाम है इमाम मुस्लिम रहमत लताज़ भी हैं इसके बावजूद इमाम मुसलिम रहमत ने इमाम बुखारी रहमत से कोई हदीस रिवायत क्यों नहीं या फिर कह रहे थे फ़ुला इमाम ने क्यों इमाम बुखारी रहमै से रिवायत नहीं ली जैसा कि इमाम बुद्ध के बारे में कह दिया इमाम इमामजा के बारे में या इमाम तिरमज़ी के बारे में इमाम तिरमजी रहमत ने तो बहुत ज़्यादा नक़ल किया है इमाम बुखारी रहमत से उनकी अज़मत और शान के लिए इतना ही काफ़ी है कि इमाम तिरमजी जैसा बुलंद पाया इमाम और फ़ीर जो है वो इमाम बखारी रहमत ला, ला का नाम बड़े अदब अदबराम से लेता है और बहुत बड़े बड़े दकीक मसायल में और रावियों के बारे में फ़ैसला जो है इमाम बुखारी से लेता है। और कहता है मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी को ये कहते हुए सुना और इस हदीस पर हुक्म इमाम मेरे उस्ताद इमाम बुखारी ने यूँ बयान किया ये तो एक मुसलमा हकीकत है जो इमाम तिरमजी रमत की किताब पढ़ के ही आप बखूबी जान सकते हैं बाकी जो है ये एतराज़ कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत क्यों नहीं ली हालाँकि वो उनके उस्ताद थे या फ़लाने रिवायत क्यों नहीं ली तो उसकी एक बड़ी वजह है वो ये है कि इमाम मुस्लिम रहमत जो हैं वो इमाम बुखारी रहमत लगर ज़रूर थे लेकिन जो उस हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के वो मुशतरक हैं ऐसे के जिन्हें जिन इस से इमाम बुखारी रहमत लिवायत ले, ले रहे हैं उनसे इमाम मुस्लिम रहमत ली रवायत ली वो इमाम मस्लिम के डायरेक्ट भी उस्ताद हैं और ये महदसिन के यहाँ आली सनत का बहुत ज़्यादा अल्ताम किया जाता था यानी ऐसी सनत जिसमें वास्ते कम हो महदस और रसूल अल्ला वसलम के दरमियान में वास्ते कम हों हो। उसको वो बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे इमाम मुस्लिम रहमत अगर इमाम बुखारी रहमत वास्ते से रिवायत नकल करते सही मुस्लिम में तो उसकी सनत लम्बी हो जाती क्योंकि इमा, इमाम में भी शैबा हैं या दीगर आइमा हैं वो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और वो इमाम मुस्लिम डायरेक्ट भी उनके शगर्द हैं वो अगर कहते हैं कि इमाम बुखारी ने हमें हदीस सुनाई और आगे जाकर अपने इस का जिक्र करते तो हदीस की सनत लंबी हो जाती और ये मशहूर वरूफ़ है मद्दसिन के हाँ के वो अली सनत का इलतज़ाम करते थे बाकी एक कौल जो इमाम मुस्लिम रमत की तरफ मंसूब किया जाता है कि उन्होंने अपने मुकदमे में इमाम बुखारी रामत लान का जो है निशाना बनाया है और उनको नौज़ वो बहुत ज़्यादा नक़द किया उन पर और बुरा भला कहा उन्हें नौजबिल्ला ये बिल्कुल झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा है बाज उलमा को यह गलती लगी कि उन्होंने समझ लिया कि शायद इसका इशारा इमाम बुखारी की तरफ भी है कि जो इतसाल सनद के हवाले से बात आई ना कि इमाम मुस्लिम रहमत ने कहा कि मुआसरत काफ़ी है तो जबकि बाज उलमा ने कहा कि इमाम बुखारी रहमत लोसरत को काफ़ी नहीं समझते थे बल्कि कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा समा लिका का जो तस्री है उसकी वो ज़रूरत महसूस करते थे एक तो इमाम बुखारी रहमत साबित नहीं है कोई एक कौल भी इमाम बुखारी के इस हवाले से साबित नहीं है महज बाज़लमा की ये राय है और उनका ख़्याल है ज़ाती कि शायद इमाम बुखारी रहमत कहते थे हालाँकि इमाम बुखारी रहमत ऐसा नहीं कहा फिर इमाम मुस्लिम रहमत जो हैं वो इमाम बुखारी रहमत के ऐसे शागिरद हैं उनके बारे में वो ऐसे जज्बात का इजहार करते हैं तो कैसे हो सकता है कि वो इमाम बुखारी रहमत के ख़िलाफ़ बोलें और इतना ख़िलाफ़ बोलें कि उनको इल्म अदीस से ही जाहिल करार दे दें नाउज़बिल्ला इमाम बुखारी रहमत को इमाम मुस्लिम रहो कहते आपसे बड़ा आलम तो मुझे नज़र कोई नहीं आता और फिर आ, इमाम याकूब बिन मोहम्मद अबू यूसुफ़ अखरम हैं राह ती जो दो सौ में फ़ौत हुए नीशा बिर निशापुर के बहुत बड़े मरूफ फ़कीर थे वो फरमाते रही तो मुस्लिम अबिनाजी बैना यदई मोहम्मद इबिन इसमाइल अलबुखारी बहू एस अलूस आल सबीमाल कहते हैं मैंने देखा कि इमाम मुस्लिम रहमत इमाम बुखारी के सामने बच्चों की तरह बैठ के उनसे सवाल कर रहे थे जिस तरह बच्चे सवाल करते हैं तो इमाम बुखारी रमत के सामने इमाम मुस्लिम अपने आप को एक बच्चा समझते थे और बच्चों की तरह आपसे सवाल कर दिया तरीक़ बगदाद में सही सनत के साथ ये कौल साबित है और इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमत ख़ुद जो फरमाते हैं वो कहते हैं दिनी हत वो कबिल रिजलई का या उसताज अलुस्ताजी इमाम मुस्लिम तो कहते हैं कि उस्ताजों के उस्ताज हैं आप इमाम बुखारी को कहते हैं मुझे इजाज़त है मैं आपके पाँव चूम लूँ ठीक है आप सैदालमुहदसन हैं आप इलल हदीस में हदीस के तबीब हैं इतनी अकीदत रखने वाला शख्स कैसे हो सकता है कि वो उलूमुल हदीस से ही किसी को जाहिल करार दे दे या उसको हदीस का दुश्मन करार दे दे नौज़ु सुमा नौज़िला इमाम मुस्लिम रहा ने कतन अपने मुकदमे में ऐसी कोई बात नहीं की तो इमाम मुस्लिम रहमत ने अपनी सही मुस्लिम में ख़ुद सही बुखारी के तरीक़े को अपनाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो सही बुखारी में तरीक़ा है वो अपनाया है जैसा कि खतीब बगदादी लिखते हैं कि कफा मुस्लिम उन तरीक़ल बुखारी ये व अफ़ी इल्मी ही व हज़बा हो इमाम मसलिम रहमत ने अपनी सही में इमाम बुखारी के तरीक़े पर अपने आप को कारबंद रखा है आप इमाम बुखारी के इलम में उन्होंने गहरी नज़र की है यानी इमाम बुखारी केम से उन्होंने इस्ता किया और कदम कदम पर आपके नक्श कदम पे वो चले हैं तरीख़ बगदाद में ये कहा और इमाम दार फरमाते हैं वो कहते हैं लऊलबुखारी जो लमा जहाबा मुस्लिम उन वला जा अगर इमाम बुखारी ना होते तो इमाम मुस्लिम को कौन जानता पहचानता इमाम मुस्लिम की जान पहचान तो इमाम बुखारी की शागिर्दी की वजह से हुई यह तारीख़ बगदाद में और तारीख द में यह कौल सही सनद से साबित है तो अब सही मुस्लिम में जो इमाम मुस्लिम ने रिवायत इमाम बुखारी से नकल नहीं की उनकी सनत से उसकी वजह लामा यही है कि वो आली सनत के मुतलाशी होते थे मदसिन तो इस तरह सनद नाजिल हो जानी थी तो उन्होंने दूसरे से अपनी अहदीस जो है वो नकल कर दी और अगर यही एतराज़ इसको वैलिड एतराज़ माना जाए और इसको दी जाए कि फ़लॉँ फ़लॉँ फ़लां मुहदसन ने क्यों नहीं इमाम बुखारी से हदीस ली इससे शायद इमाम बुखारी के इलमी मरतबे में कोई फ़र्क़ आ गया है या वो मुहदस नहीं रहे तो फिर इमाम अब नीफ़ा रहमत ये मुनकरीन हदीस आ, के लिए भी है कि जो फ़िका हनफी से ताल्लुक़ रखते हैं बहुत से इनकारी हदीस में मुतला लोग जो फ़िका हनफ़ी से जिनका ताल्लुक होता है बल्कि अक्सरीत का फ़िका हनफी से ताल्लुक होता है या फिर ऐसे लोग जो अपने आप को फ़िका हनफी की तरफ मनसूब करते हैं या अपने आप को अहनाफ में शुमार करते हैं ये लोग उनको अपना आलिम समझते हैं तो उनसे ये सवाल है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कितने मद्दीन निर्वाचित कोई एक सही के नाम से जिसने किताब लिखी हो किसी मुहदे ने और उन्होंने इमाम अबनीफ़ा की कोई रवायत नकल की हो हवाला पेश करें तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों नहीं उनसे हदीस ली तो क्या इससे ये साबित होगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस काबिल नहीं थे आप क्या कहें हम आपकी राय पूछ रहे हैं अगर आप इससे ये मुराद नहीं लेते तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं और इस हवाले से बाकी तफसील जो है हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि आयम दीन जो है महदसिन हदीस के हवाले से इमाम अबू अबूनिफा रहमत जरा करते थे इसके बावजूद वो आपके नज़दीक उनकी शान कम नहीं हुई तो फिर इमाम बुखारी रहमत की शान कैसे कम हो सकती है हम इसी पर इतफ़ा करते हैं ये सात जो बड़े बड़े एतराज़ा थे इमाम बुखारी रहमत शख्सियत के हवाले से वो हमने आपके सामने पेश किए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल रब्ज़त हमें मुहद्दिसीन के तरीके पर चलने और उनसे मुहबत करने की तोफ़ी कता फ़रमाए व आखिर दावाना अलहमद लाबीआलमिन